1898 में आज ही के दिन भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने वाले सर सैयद अहमद खां का निधन हुआ था। इन्होंने मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। सैयद अहमद खान ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हुए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय में असबाब बगावत हिंद नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की। ये अपने समय के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेता थे। उनका विचार था कि भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उर्दू को भारतीय मुसलमानों की सामूहिक भाषा बनाने पर जोर दिया। उन्नीस में आज एक दिन रूस में पहली बार स्वतंत्र चुनाव हुए थे। सोवियत संघ में इन संसदीय चुनावों में पहली बार नागरिकों को यह विकल्प मिला था कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के अलावा भी किसी को वोट दे सकें। यह चुनाव इस मायने में भी ऐतिहासिक माने जाते हैं कि यह पहला मौका था जब सोवियत संघ का विरोध करने वालों को भी जनता के सामने आने का मौका मिला। रूसी अखबार के हवाले से यह कहा गया कि इन चुनावों में ज्यादातर क्षेत्रों में करीब 80 से 85% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अखबार ने तो इन नतीजों को एक नए युग की शुरुआत कह डाला और उस नए युग को लोकतंत्र की तानाशाही करार दिया। ১৯৭৭ में टेनरीफ में दुनिया की सबसे भयानक विमान दुर्घटना आज ही के दिन हुई थी, जिसमें 583 लोग मारे गए थे। टेनरीफ स्पेन के कैनरी द्वीप में सबसे ज्यादा पसंदीदा पर्यटक स्थल है। यह भीषण टक्कर पैन M747 और पैन M1736 बोइंग विमानों के बीच हुई थी। दरअसल 8 घंटे की उड़ान के बाद पैन M747 को टेनरीफ हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में हुए बम धमाके के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। पैन AM747 को सूचना दी गई कि वो किसी दूसरे स्थान पर विमान को लैंड करे, पर यात्रियों के गुस्से की वजह से विमान के पायलट ने खाली रनवे पर उसे उतार दिया, जहां तय समय के अनुसार पैन AM1736 उड़ान भरने के लिए रनवे पर था और इसी दौरान दोनों विमान आपस में टकरा गए। और 1961 में पहला विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत हुई। रंगमंच से संबंधित अनेक संस्थाओं और समूहों द्वारा भी इस दिन को विशेष दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस दिवस का एक महत्वपूर्ण आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश है, जो विश्व के किसी जाने माने रंगकर्मी द्वारा रंगमंच और शांति की संस्कृति विषय पर उसके विचारों को व्यक्त करता है। 1962 में पहला अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश फ्रांस की जीन काकटे ने दिया था। वर्ष 2002 में यह संदेश भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड द्वारा दिया गया था। जीवन के रंगमंच पर रंगमंच की मूल विधाओं का सीधा नाता है। वे आईने के रूप में समाज की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करती है। सभ्यता के विकास से रंगमंच की मूल विधाओं में परिवर्तन स्वाभाविक है।